दशहरे के मौके पर अगर आप गोल्ड खरीदने की योजना बना रहे हैं, अभी अभी अपने घरों से निकलकर गोल्ड खरीदने जा रहे हैं, तो आपको करना क्या चाहिए? तो आप घर से निकलने से पहले आप थोड़ी देर रुकें, थोड़ा इंतज़ार करें। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं कि आज का गोल्ड का ताज़ा भाव क्या है, आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है, और अगर खरीदना है तो कैसे खरीदना है। लेकिन पहले मार्केट का ताज़ा अपडेट कि किस तरह की हलचल आज पूरे दिन बाजार में रही है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। शुरुआत एग्री मार्केट से। ग्वार का भाव 16 रुपए नीचे बंद, ग्वारगम 40 रुपए नीचे और चना वायदा 20 रुपए नीचे, यानी लाल निशान में आज कई काउंटर में कारोबार होता हुआ दिखा है। इसके अलावा अगर बात करें सोयाबीन की, तो यहाँ पर तेज गिरावट, 55 रुपए नीचे, 3250 के नीचे लुढ़क चुका है सोयाबीन का वायदा। उत्पादन बढ़ने वाला है, उसका बड़ा इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। सोया तेल और मस्टर्ड, ये दोनों काउंटर भी लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। और साथ ही अगर बात करें कुछ और काउंटर की जहां पर आज एक्शन रहा है, जीरा वायदा 155 रुपए ऊपर बंद हुआ है, 20400 के ऊपर। टर्मरिक में बिल्कुल रेंज का ट्रेड, 8 रुपए ऊपर बंद हुआ है। और कोरिएंडर का वायदा 44 रुपए ऊपर, 5630 के स्तर पर बंद हुआ है। और अब आपको सीधे ले चलते हैं रामलीला मैदान, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, कुछ ही समय के अंदर लीला स्थल के ऊपर आपके बीच में पधारेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस वक्त वे मंच पर आएंगे, उनका दिल खोलकर तालियों से स्वागत करना है, और उनके साथ में देश के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी उनकी अगवानी कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि आज दिल्ली राममय हो चुकी है, और इस राममय दिल्ली के अंदर हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय ने, फर्स्ट लेडी ने और भारत के प्रधानमंत्री ने हमारे इस प्रार्थना को स्वीकार किया, और हमारे निमंत्रण पर हमारे मध्य में परम आदरणीय मोदी जी लीला स्थल के ऊपर पधार चुके हैं। कुछ ही लम्हों के अंदर हमारे बीच में राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय लीला स्थल के ऊपर हमारे बीच के अंदर होंगी। आज दिल्ली राममय हो गई है, और इस बुराई को समाप्त करने के लिए हम हर वर्ष रामलीला का आयोजन करते हैं, और इसका मकसद भी यही है कि हम अच्छे संस्कार अपने नौजवान पीढ़ी को दे सकें। और इसी मकसद से लवकुश रामलीला कमेटी हर साल आयोजित की जाती है। आज दशहरा पर्व है, दशहरे पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आज बहुत ही सुंदर लीला यहां पर आप देखेंगे, राम रावण युद्ध की, और उसके पश्चात रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन यहां पर होगा। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इस देश के लाडले परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे लीला स्थल पर पधार चुके हैं, और कुछ ही समय के अंदर हमारे मध्य में देश के उपराष्ट्रपति परम आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे बीच के अंदर होंगे। और आज यहाँ पर लवकुश रामलीला कमेटी के प्रांगण में रामलीला का अवलोकन करेंगे। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी जी हमारे इस लीला स्थल के ऊपर पधार कर आज यहां पर लीला का अवलोकन करेंगे। राम रावण युद्ध की लीला के अवलोकन के पश्चात
रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन यहां पर होगा। और हम निश्चित रूप से जो हमारे मन के अंदर भावना है कि हमें बुराइयों को समाप्त करना है, चाहे वो बुराई किसी भी प्रकार की हो, आज हम इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए ही ये विजय पर्व मनाया जाता है। और उस वक्त की बुराई कुछ और हो सकती है, लेकिन आज की जो समाज के अंदर बुराई है, निश्चित रूप से उन बुराइयों को हमें दूर करना है, तभी हम निश्चित रूप से समाज के अंदर एक अच्छा वातावरण राममय बना सकेंगे। लवकुश रामलीला कमेटी के प्रांगण में परम आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधार चुके हैं और कुछ ही क्षणों के अंदर भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री श्री मनोज तिवारी हमारे बीच में, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, माननीय श्री मनोज तिवारी जी चंद ही लम्हों के अंदर हमारे लीला मंच पर होंगे। और हमारे प्रांगण में देश के प्रथम नागरिक श्री रामनाथ कोविंद जी, परम आदरणीय मोदी जी आज हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय कोविंद जी और प्रधानमंत्री जी जिस वक्त लीला स्थल के ऊपर पहुंचे तो दिल खोलकर तालियों से उनका हम स्वागत करें। हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है, परम आदरणीय भारत के राष्ट्रपति, परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे परम आदरणीय मोदी जी का। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पहले कैंडल लाइट, मैं प्रार्थना कर रहा हूं माननीय राष्ट्रपति जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आज लवकुश रामला कमेटी के प्रांगण में कैंडल लाइट कर शुभारंभ करेंगे। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से, वे भी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और इस देश के सांसद हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मैं अनुरोध कर रहा हूं दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष परम आदरणीय मनोज तिवारी जी से। मैं अब अनुरोध कर रहा हूं कि राज तिलक के लिए माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, प्रभु राम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी को तिलक करेंगे।
मेरा अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि तिलक करेंगे मैं आए हुए अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे मैं अनुरोध कर रहा हूं लीला के अध्यक्ष भाई अशोक अग्रवाल जी से आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे भाई अशोक अग्रवाल जी। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में इस वक्त आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में आदरणीय राष्ट्रपति जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, हर्षवर्धन जी, भाई मनोज तिवारी जी, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि देश के दो दिग्गज कर्णधार हमारी रामलीला के अंदर हमारे बुलावे पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं रामलीला के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रपति जी को। लवकुश रामलीला का आरंभ 30 वर्ष से हुआ है। तो पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे हैं, जहां पर लवकुश रामलीला कमेटी के रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे थे, लेकिन एक बार फिर से लौटते हैं कमोडिटी मार्केट पर और अब आपको सिर्फ ये दिखाते हैं कि आज का गोल्ड का ताज़ा भाव क्या है। अगर आप गोल्ड खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये रेट आप नोट कर सकते हैं। 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 31,670, 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 29,147 और 18 कैरेट गोल्ड का रेट है 23,865। इसमें 3% का GST शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं एक बड़ी खबर की। खबर यह है कि हफ्ते भर में प्याज के दाम दोगुने हो गए हैं। जी हाँ, लासलगांव मंडी जो कि एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है, वहाँ पर हफ्ते भर पहले प्याज का भाव 8 से 10 रुपए प्रति किलो था, जो अब बढ़कर 15 से 22 रुपए प्रति किलो थोक भाव हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि प्याज की सप्लाई कम हो गई है और उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिख रहा है। हालांकि दिल्ली में मदर डेयरी ने प्याज के दाम 2 रुपए प्रति किलो कम कर दिए हैं। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए लासलगांव APMC के चेयरमैन जयदत्त होलकर हैं फोन लाइन पर। होलकर साहब, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आप ये बताएं कि प्याज के दाम बढ़ क्यों गए? नहीं, बढ़ गए ये नहीं, हमारा तो कहना है कि प्याज के दाम कम हो गए। अभी पिछले फरवरी महीने मंथ में जो 3,000 रुपए प्याज जा रहा था, आज 1900 रुपए जा रहा है। अच्छा, तो कहाँ रेट बढ़े? 3,000 का प्याज जो 1900 रुपए जा रहा है तो कम हुए ना रेट? अच्छा अच्छा, नहीं लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ होलकर साहब, ये बात ठीक है आपकी कि 3,000 के मुकाबले दाम कम है और अगर 15 से 20 रुपए का भाव भी किसानों को मिलता है तो ये बहुत ज्यादा भाव नहीं है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि हफ्ते भर पहले दाम काफी नीचे थे, 8 से 10 रुपए किलो, इसको अगर आप बढ़ना ना भी कहें तो 15 से 22 रुपए कैसे हो गए? क्या वजह थी इसकी? नहीं, अभी देखिए ना, अभी फरवरी में 3,000 थे, बाद में वो 600-700 रुपए तक मार्केट डाउन हो गया था। हाँ, तो अभी कहा तो 3,000 तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, यानी कि स्टेबल होने के लिए कोशिश। मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये जो स्टेबल हो रहा है प्राइस, आपके हिसाब से अगर ये दाम बढ़ना नहीं है, अगर स्टेबल भी हो रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है? नहीं, अभी तो देखिए डिमांड और सप्लाई पे सब है ना, तो सप्लाई कम हो गई है। क्या सप्लाई कम हो गई है मंडियों में? नहीं, सप्लाई भी अभी है किसानों के पास, अभी भी भारी मात्रा में प्याज है। अच्छा, धीरे धीरे करके वो निकाल रहे हैं, जैसे अगर अच्छे दाम होते हैं तो निकाल रहे हैं उसी हिसाब से। तो अभी कुछ और बढ़ेंगे क्या दाम प्याज के? नहीं, अभी इसका ऐसा कहा नहीं जा सकता है।
अच्छा, आपको नहीं लगता और बढ़ने वाले हैं? हाँ, अभी तो देखिए, अभी आज के दाम तो कम हो गए, जब कल परसों अगर 2200-2500 का दाम थे, आज के अगर आप देखेंगे तो 1800-1900 तो कभी रिवर्स आ चुका है 400। अच्छा अच्छा, एक छोटा सवाल आपसे और कि क्या खुदरा बाजार में भी दाम जो अभी थोक में थोड़े बहुत बढ़े हैं, इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है? कहाँ पे बढ़े हैं? खुदरा बाजार में जो रिटेल का मार्केट है, वहाँ भी कुछ इम्पैक्ट होगा? रिटेल का तो कैसा है, रिटेल में जो दाम बेचा जाता है, वो अभी माल कहाँ बेचता है, कैसे बेचता है, उस पे डिमांड है। और बीच में एजेंसी बहुत है, अभी ट्रांसपोर्ट पर बहुत महंगा हो चुका है, डीजल बढ़ चुका है, तो ये सारी चीजें इंक्लूड करके वो जो रिटेल वाला अपना माल बेचता है ना, उसका मुनाफा किसानों को नहीं होता है। ठीक बात, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयदत्त होलकर हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आगे प्याज के दाम क्या रहने वाले हैं। हमारे साथ अजय केडिया हैं और अजय बहेती हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और आप दोनों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं भी। केडिया जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा, क्या आज के दिन गुड़ खरीदना चाहिए या सिर्फ रस्म अदायगी के लिए एक छोटी सी बाइंग करनी चाहिए? गुड इवनिंग मितिन जी, और सभी दर्शकों को दशहरे की शुभकामनाएं। डेफिनेटली पर्व अच्छा है, गोल्ड लेना चाहिए, बट मुझे लगता है जिस ढंग से फेड के मिनट्स के बाद गोल्ड में गिरावट आई है, मुझे लगता है थोड़ी और बढ़ सकती है, तो सस्ता मिल सकता है। अगर पर्व के हिसाब से लेना, थोड़ा ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कोई बड़ी गिरावट नहीं रहेगी, यहाँ से 200-300 रुपये की गिरावट मैक्सिमम है। बाकी ओवरऑल अगले 2-3 महीने का आउटलुक देखें तो गोल्ड में काफ़ी अच्छे रहने की उम्मीद है। क्या क्या 2-3 महीने का क्या टारगेट है आपका गोल्ड पर? एज कम्पेयर टू हमने पूरे साल में काफ़ी अच्छी गिरावट देख चुकी है, और मार्केट में अगर देखा जाए तो 1180 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगर अगले 2 महीने की अगर बात करें तो हमें लगता है डोमेस्टिक मार्केट पे करीबन 32-800 तक के लेवल देखने मिल जाएंगे गोल्ड में। वहीं चांदी ज़्यादा मेरे को स्ट्रांग लग रही है एज कम्पेयर टू गोल्ड। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड खरीदना चाहिए, लेकिन अगर गोल्ड खरीदना चाहिए बहती जी, तो क्या गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ETF एक अच्छा विकल्प होगा खरीदारी के लिए? देखिए, ब्रॉडली गोल्ड का जो ट्रेंड है इस साल, अब करंट लेवल से बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बड़ी तेजी गोल्ड में दोबारा से हम देख सकते हैं, तो डेफिनेटली चॉइस इज योर्स, ETF के साथ जाए, ई गोल्ड के साथ जाए, या फिर फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करें। ट्रेंड डेफिनेटली ऊपर का ही है और हर डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। ठीक है, चलिए एक सवाल है सुधीर कुमार जी का, हिसार से हैं हमारे साथ। सुधीर जी स्वागत है आपको, आपको दशहरे की शुभकामनाएं, पूछिए सवाल। सर जी, आपको भी दशहरे की शुभकामनाएं और साथ में हमारे ग्वार के जो स्पेशलिस्ट है अजय केडिया जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। जी जी, पूछिए सवाल। मेरा अजय केडिया जी से सवाल है कि अजय केडिया जी, मैं तो सिर्फ आपसे ग्वार के बारे में पूछा, क्योंकि आपको ग्वार का सब अच्छा नॉलेज है, तो मुझे ये बता दीजिए जो आपने टारगेट दिया है 6000 रुपए का जो पहले दे चुके हैं आप, वो मैक्सिमम कब तक हो जाएगा? कब तक? ग्वार पर आपका सवाल है, क्रूड पर नहीं है? ठीक है, कुछ कंफ्यूजन हुआ है। 6000 तक ग्वार का भाव कब तक जाएगा अजय केडिया जी? देखिए, मुझे लगता है कि अभी नवंबर में वापस जो तेजी बनी है वो थोड़ी सुस्त हो जाएगी। बाकी मुझे लगता है कि 5600 से 6000 का जो लेवल है वो मैं देख रहा हूँ कि फरवरी मिड तक देखने मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, आज वक्त की कमी है तो हम कॉलर आज नहीं ले पाए हैं ज़्यादा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय केडिया जी आपका, अजय बहेती जी आपका।